हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आखिरकार मैं वायरन मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आई है। ठीक है, जितने बच्चे कल पेपर देने वाले हैं हिंदी का, 16 फरवरी का हिंदी का पेपर जितने बच्चे देने वाले हैं क्लास टेंथ वाले, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वायरल मॉडल पेपर लेकर आ गया हूँ। जितने प्रश्न इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में तो पूरे के पूरे इस मैं पेपर का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो मेरे साथ पूरा का पूरा सोल्यूशन करके सारे क्वेश्चन याद कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एक एक प्रश्न समझ लो और यही प्रश्न आपके कल एग्जाम में आएंगे, सारे प्रश्न करके चले आना। ठीक है, पूर्णांक देखो 70 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, और 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों के पास समय रहेगा। और मैं निर्देश अगर पढ़ने की कोशिश करूं तो 15 मिनट आप लोगों को इस प्रश्न पत्र को पढ़ने का टाइम मिलेगा। और जो प्रश्न पत्र है ना, 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड अ में और खंड ब में। ठीक है, और खंड अ में जो होगा 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जो कि आपको ओएमआर शीट पर करने होंगे और काले बाल पॉइंट पेन से उसको सही विकल्प गोले को पूरा करना होगा। ठीक है, अगर चौथे निर्देश को मैं पढ़ूं तो चौथा निर्देश है कि जो खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उसको एक प्रश्न एक नंबर के रहेंगे। ठीक है, मतलब 20 बहुविकल्पीय रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो खंड अ के प्रश्नों को हल करने के लिए 1 घंटा का समय रहेगा और खंड ब के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे के समय रहेंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित किए गए हैं। चलिए सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं जो कि 20 नंबर के लिए आएंगे। अब पूरा का पूरा ये वायरल मॉडल पेपर है, पूरे के प्रश्न को तैयार कर लो और कल जाके पूरे में पूरे अंक लेकर चले आना। मेरे प्यारे बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न पहला प्रश्न यहाँ पर यह है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा स्पष्ट दिखे, क्योंकि सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। पहला प्रश्न यह है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? अब भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, कि शुक्लांतर युग के? मेरे प्यार बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन से? द्विवेदी युग। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, और ये पूरे प्रश्न आपको याद होने चाहिए कल के पेपर में। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा की, कविता विधा की, नाटक विधा की, कहानी विधा की? तो देखो, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यार बच्चों, निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न मेरे प्यार बच्चों यह है कि गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, हरि कृष्ण प्रेमी? मेरे प्यार बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, पूरे के पूरे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। अगर हिंदी में अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो, 95% लाना चाहते हो, सारे प्रश्न याद करके जाना। ठीक है, पूरे प्रश्न के सारे क्वेश्चन मिलेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर देकर चले आना। चौथा प्रश्न देखो, शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है? शुक्ल युग की समय अवधि 1936-1943 तक, 1919-1938 तक, 1900 से 1918 तक उपयुक्त में से कोई नहीं? मेरे प्यार बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 से लेकर 1938 तक शुक्ल युग की काल अवधि मानी जाती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करूं और पांचवा प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है कि नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की, आत्मकथा विधा की, साक्षार्थ भेंटवार्ता विधा की, रेखा चित्र? तो देखो, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यार बच्चों, यह आत्मकथा विधा की रचना है। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छठवां, क्या है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग? मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, किस युग के? द्विवेदी युग। ठीक है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। आगे अगर हम बात करें, देखो प्रश्न नंबर 7वां क्या है? 7वां कि मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की, हरियौध की, हरिवंश राय बच्चन जी की, सुमित्रानंद पंत जी की? देखो, मधुशाला किसकी रचना है? मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर दो, हरिवंश राय बच्चन जी की यह रचना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक भी प्रश्न मिस मत करना, सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। 8वां प्रश्न है कि भारत भारती किसकी रचना है? तो देखो, भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा? तो देखो, भारत भारती किसकी रचना है? मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 9, देखो प्रश्न नंबर 9 है, आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1943 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक, 1936 से लेकर 1943 तक? देखो, आधुनिक काल कब से कब माना जाता है? तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सन 1943 से अब तक, ठीक है, आधुनिक काल माना जाता है। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 10वां जो है वह है, मतिराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल? देखो, मतिराम किस युग के कवि हैं? तो मेरे प्यार बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीति काल के कवि हैं। ठीक है, रीति काल युग के कवि हैं मतिराम। आगे अगर हम बात करें, देखो प्रश्न नंबर यहाँ पे 11, प्रश्न नंबर 11 है कि हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव है शोक,
रति हास निर्वेद। तो देखो हास रस का स्थायी भाव हास होता है, इसलिए सी जो है मतलब तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। ये एक भी प्रश्न मिस मत करना, सारे प्रश्न याद होने चाहिए। प्रश्न 12 है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि रूपक अलंकार है, कि श्लेष अलंकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो 12 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो देखो प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 13 है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 3, 2, 4 कि 5। तो देखो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितने होते हैं, 4 होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। आगे अगर हम बात करूँ तो प्रश्न नंबर 14 देखो क्या है। प्रश्न नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण शब्द में उपसर्ग वी का, मान का, अक का, आ का। तो देखो आ का प्रयोग किया गया, उपसर्ग आगे लगता है, तो इसलिए आ जो है आगे लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग हो जाएगा। तो मतलब इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15, प्रत्यय में कितने भेद हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं पूछा है, 2, 5, 6, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 16 देखो है, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्वंद समास, बहुव्रीही समास, तत्पुरुष समास। तो पीताम्बर में कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों, बहुव्रीही समास का उदाहरण है। लेकिन याद रखना 2023 में जो पेपर होने वाला है कल, उसमें आपका 2 ही समास आएगा, या तो द्वंद समास या तो द्विगु समास आएगा, इतना याद रखना, ठीक है। चलो आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 17 देखो क्या है, आंसू के तत्सम रूप है, आंसू के तत्सम रूप अछू होता है, सिंपल। 17 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम पढ़ें प्रश्न नंबर 18 देखो क्या है, यण संधि का सूत्र है, आदगुण, अक सर्वे दीर्घ, इक्वर्ची की वृद्धि रचि। तो देखो यण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है इक्वर्ची, क्या होता है, तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा 18 का। आगे हम बात करें तो देखो 19वां प्रश्न क्या है कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, की चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फलस्य शब्द का बहुवचन क्या वचन क्या है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है फलस्य का। चलो अगला प्रश्न 20वां देखो जो कि लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पी का, अपठत धातु का वचन एवं रूप है, मतलब पुरुष है, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष कौन सा है, द्विवचन प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, की मध्यम पुरुष द्विवचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो 20 नंबर के जो MCQ थे जो कि OMR sheet पे करना है, मैं पूरा का पूरा सलूशन बता दें, 20 का पूरा रट्टा मार लो और जाके एग्जाम में पूरा कर देना, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो अब यहाँ से खंड ब आएगा जो कि वर्णात्मक प्रश्न होगा, ठीक है, यहाँ से खंड ब जो कि 50 नंबर के लिए होंगे वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। देखो सबसे पहले पहला प्रश्न आपसे मुलाकात होगी यहाँ से गद्यांश, ये गद्यांश पूरा का पूरा एकदम याद कर लो, एकदम रट जाओ जितना रटना चाहते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है। चलो देखो यह है आप लोगों का, यह कोई बात नहीं, देखो क्या है, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज को विभिन्नता देकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब मित्रता वर्ड से ही आपको मालूम चल गया कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है, और जिसके लेखक जो हैं वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। और इसके नीचे प्रश्न पूछा गया है, तो कौन सा प्रश्न, देखो पहला प्रश्न है कि संदर्भ लिखो, संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड में संकलित मित्रता जो चैप्टर से लिया गया है, मित्रता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक जो हैं वह हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, बस ऐसे लिखना है, फिर इसका व्याख्या कर लेना, ठीक है। इसके बाद तीसरा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न आप कर लेना, 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तब जाके यह प्रश्न कर लेना, ठीक है, या अथवा देखे दिया है कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों ये जो गद्यांश है ये आपका जयशंकर प्रसाद जी इसको लिखे हैं और ममता चैप्टर से लिया गया है,
जयशंकर प्रसाद जी इसको लिखे हैं, और किस चैप्टर से लिया गया है, ममता चैप्टर से लिया गया है, ये भी आप लोगों के लिए 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा, तो दोनों में से कोई ये कर सकते हो। आगे हम बात करें, दूसरा प्रश्न तो पद्यांश आ गया, देखो पद्यांश जो कि ये भी आप लोगों के लिए 6 नंबर की रहेगा, ये पद्यांश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों। चरण कमल बंधो हरिराय जाकी कृपया पंगु गिरी लहो, अंधे को सब कुछ दर्शाई भैरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधु होती ही पाई। मेरे प्यार बच्चों यह सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है, जिसके जो कवि हैं ठीक है वो सूरदास जी हैं, ठीक है तो सूरदास जी लिखे हैं, सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है यह, ठीक है। चलिए इसको भी तैयार कर लेना, ये भी आप लोगों के लिए 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। और सारे प्रश्न तैयार कर लो, जाके चुपचाप छाप के चले आना। अगला प्रश्न देखो, अगर वो नहीं आता है तो ये प्रश्न कर लेना, सुनी सुंदर बैन सुधारा साने सयानी ये जानकी जनी भली, ठीक है। यह जो है ये तुलसीदास जी का है, ठीक है, तुलसीदास जी का है, और यह कवितावली से, हिंदी के कवितावली पाठ्यपुस्तक से काव्यखंड में संकलित से लिया गया है, और किस शीर्षक से लिया गया है, तो वन पथ पर, किस पे, वन पथ पर, याद कर लो, ठीक है। तो एकदम वायरल मॉडल पेपर आप लोगों को बता रहा हूँ, पूरा का पूरा एकदम आप लोगों को रटा होना चाहिए। तीसरा प्रश्न देखो, यहाँ से तीसरा प्रश्न है कि दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ठीक है, ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यार बच्चों, और पूरा का पूरा एकदम अच्छे तरीके से याद कर लो इसको, ठीक है। इसके बाद अगर पहला नहीं आ रहा है तब जाके दूसरा कर लेना, यहाँ पे मानव जीवन और संक्रमण संस्कृति, ठीक है, दोनों में से कोई एक तैयार कर लो और 6 नंबर यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो देख लो अगला यहाँ पे कि दिए गए संस्कृत के पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि यहाँ पे 5 नंबर के लिए आएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक पे करना है, दोनों आप लोग एकदम तैयार कर लो। मानव हित्वा प्रिय बंतु क्रोध हितवान सोचती अकाम हितवावर्थम भवर्ती लोक हितवा सुखी भवेत, दोनों में से कोई एक ही करना है, अगर इसको कर लेते हो तो 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, दोनों तैयार कर लेना, ठीक है। चलो आगे अगर हम बात करें तो पाँचवा प्रश्न देख लो, पाँचवा प्रश्न है कि अपने खंड का भाग्य है, ठीक है, अपने पथित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब देखो यहाँ पे यह है कि पहला मुक्तिदूत है, ठीक है, इसके बाद दूसरा ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, जय सुभाष खंडकाव्य है, मातृभूमि है, करण है, करमवीर है, तुमुल है। इसका मतलब यह है कि देखो क्वेश्चन बैंक में जाके देख लेना, अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज ये आता है, आपके डिस्ट्रिक्ट से जो भी याद करना होगा वही आपको एग्जाम में लिखना है। तो क्वेश्चन बैंक से किताब से देख लेना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंडकाव्य पूछा जाता है, और वही याद करके चले जाना, वही लिख के चले आना कल, ठीक है। इसके बाद देखो जीवन परिचय, तो जीवन परिचय तो आप लोगों को पूरा रटा होना चाहिए, जो कि 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ से दो भी याद कर लो ना, एक आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी याद कर लीजिएगा, इन दोनों में से कोई सी एक याद कर लीजिए, मात्र दो ही याद कर लोगे तो 5 नंबर यहां से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसी तरह ये भी फिक्स होता है, ठीक है, ये भी जीवन परिचय आप लोगों का कवि का फिक्स है, दो ठे याद कर लीजिएगा, ठीक, गोस्वामी तुलसीदास जी का, एक ठे सूरदास जी का, दोनों याद कर लोगे तो दोनों में से ये कर लोगे, 5 नंबर यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो देखो सातवां प्रश्न में आएगा, श्लोक पूछा है कि अपनी पाठ्यपुस्तक कंठस्थ में कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, अगर श्लोक लिखते हो तो 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन याद रहे कि इस प्रश्न पत्र में जो नहीं आया हो वही दूसरा आप लोगों को श्लोक लिखना पड़ेगा, यानी कि वही छाप दें तो 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 8वां, देखो प्रश्न नंबर 8वां है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, यहाँ पे 4 प्रश्न है ना, 2 प्रश्नों का अगर उत्तर आप दे देते हो तो यहाँ से आप लोगों का 4 नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इस सारे प्रश्न उत्तर को आप लोग अच्छे से याद कर लेना इसका उत्तर, और 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि 9 नंबर के लिए पूछा जाएगा निबंध, मेरे प्यार बच्चों पर्यावरण जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक आपका जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, और एक आपका आतंकवाद, ये 3 तो आपको याद ही होना चाहिए, नारी शक्तिकरण याद करोगे तभी चलेगा, 3 याद कर लोगे तो एक आपका कर लोगे जो कि 9 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यार बच्चों देखो पूरा का पूरा वायरल मॉडल पेपर मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, इसका पूरा का पूरा सलूशन भी बता दिया हूँ, बस जाके इन सब सारे क्वेश्चनों को याद कर लो और कल जाके एग्जाम में पूरा का पूरा छाप के चले आओ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए सबके पास पहुँच जाए और सब लोग अच्छे मार्क्स से पास हों, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।